हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तोफिकर। आप देख रहे हैं टेक्निकल तोफिक चैनल। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनामिक आइसलैंड एप्लीकेशन के बारे में। जो दोस्तों एप्लीकेशन होता है क्या यार, किस प्रकार से आपको मोबाइल में काम करेगा, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो कभी अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों डायनामिक आइसलैंड फीचर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है। जो दोस्तों ये फीचर्स आईफोन 14 के अंदर, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आपको ये फीचर्स मिलता है। लेकिन दोस्तों आप एंड्रॉइड के अंदर भी इस फीचर्स को लगा सकते हो। जो दोस्तों इस एप्लीकेशन के जरिए आप डायनामिक आइसलैंड फीचर्स को, पूरे ऑल फीचर्स को यहां पर आप एंड्रॉइड के अंदर लगा सकते हो। जो दोस्तों बिल्कुल फ्री के अंदर यहां पर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर डायनामिक आइसलैंड फीचर लगा सकते हो। कुछ इस प्रकार से डायनामिक आइसलैंड फीचर यहां पर दिखता है, यहां पर आप कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। पूरी ए टू जेड सेटिंग जो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं इस एप्लीकेशन के जरिए, यहां पर आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आप जान पाओगे कि आप इस फीचर को किस प्रकार से लगा सकते हो। पूरी नोटिफिकेशन डिस्प्ले सेटिंग सभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एप्लीकेशन को हम यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, इससे पहले दोस्तों यहां पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोल देता है, तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश, और उसके अगले स्टेप इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको अनेबल नोटिफिकेशन का मिल जाता है, नोटिफिकेशन आइसलैंड परमिशन का मिल जाता है। सबसे पहले आपको अनेबल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से अनेबल नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। यहां पर आपको गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपकी सेटिंग के अंदर से एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है। यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, इसको यहां से आपको परमिशन दे देनी, और यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप पे दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से यहां पर आपको गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना, और नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर आना है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको डायनामिक आइसलैंड फीचर्स मिल जाता है आपकी सेटिंग के अंदर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायनामिक आइसलैंड फीचर्स को यहाँ पर आपको एनेबल कर देना, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं पूरा आपको बैक आके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आपका स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपका खुल जाता है, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर, स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहली सेटिंग मिल जाती है, टर्न ऑन, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको माइबर वाले लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ऊपर की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं मेरा डायनामिक आइसलैंड फीचर्स मेरा यहां पर स्टार्ट हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करके बता देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे 2-3 ऐप्स मेरे अभी रनिंग पर यहां पर चल रहे हैं। नोटिफिकेशन यहां पर मेरी चल रही है, यहां पर आप देख सकते हो। मैं इस पर फिर से क्लिक करके बता देता हूं, सेटिंग्स, होम, और डायरेक्टली बैक का ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है। हाइट एंड वेट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर यहां पर आप लो अप डाउन यहां पर आप कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह यहां से आप कर सकते हो कितनी इजी तरीके से दोस्तों। यहां पर आप डायनामिक आइसलैंड फीचर्स यहां पर आप लगा सकते हो, पूरी ए टू जेड दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सेटिंग मैंने यहां पर आपको बता दिए। सिर्फ इतनी ही सेटिंग है दोस्तों, इतना ही आपको करना है। आप डायनामिक आइसलैंड फीचर बिल्कुल फ्री में यहां पर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर लगा सकते हो दोस्तों। नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, चार्जिंग का आइकॉन यहां पर आपको मिल जाता है दोस्तों, कॉल का आइकॉन भी इस डायनामिक आइसलैंड में आपको मिल जाता है। चार्जिंग और नोटिफिकेशन आइकॉन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल इस डायनामिक आइसलैंड फीचर के अंदर दिखता है। तो इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।